दोस्तों, आज मैं आप लोग को सहदेवी का जो पौधा होता है, इस पौधे के बहुत सारे महत्वपूर्ण औषधि प्रयोग बताऊंगा और इसके चमत्कारी प्रयोग भी बताऊंगा। तो बने रहें वीडियो में अंत तक, देखते रहें। अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें हमारे चैनल में। इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। तो दोस्तों, आज मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ये जो दिखा रहा हूँ सहदेवी का पौधा है, इसका पौधा लगभग 5 से 6 फीट होता है और यह पौधा आपको आपके ही आसपास के एरिया में मिल सकता है, झाड़ियों के किनारे, मैदानी क्षेत्रों में, या फिर खेत खलिहानों के आसपास, या फिर घर के आसपास कहीं भी आसानी से देखने को मिल जाता है। थोड़ी सी अगर पहचान के ढूंढने की कोशिश करोगे तो इस पौधे में जबरदस्त तांत्रिक गुण होते हैं, जिसे तांत्रिक लोग अपना तांत्रिक क्रिया करते हैं और इसके औषधि प्रयोग भी बहुत ही लाजवाब होते हैं। आज मैं आप लोगों को इसके औषधीय गुण और बिना किसी तंत्र मंत्र के इसके चमत्कारी फायदे आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं दोस्तों इसके पूरे पंचांग के पाउडर का, कि इसके पंचांग का पाउडर क्या क्या कर सकता है हमारे शरीर के लिए। अगर आप इसके पूरे पौधे को उखाड़ के जड़ सहित सुखा करके कूट पीस करके पाउडर करके रखते हो तो ये पूरे पंचांग का पाउडर होगा। और इस पाउडर को आप, जैसे कोई भी औरत है, महिला है, जिसको गर्भधारण नहीं हो पा रहा, उसको अगर एक एक चम्मच प्रतिदिन खिलाते हो या सहदेवी पंचांग का चूर्ण, तो निश्चित रूप से वहाँ 3-4 माह सेवन करने के बाद उसकी जितनी भी गर्भाशय की समस्या रहेगी वह पूरी तरह से ठीक हो जाएगी और वह गर्भ धारण करने के लिए पूरी तरह से सक्षम होगा। मतलब इसके चूर्ण खाने से गर्भाशय की सारी समस्याएं खत्म होती है, महिलाओं के गर्भ को एक नया ताकत बल मिलता है जिससे आसानी से गर्भ धारण हो जाता है। तो इस चूर्ण में काली मिर्च, लौंग और सौंठ मिला करके एक एक चम्मच खा सकते हैं, या फिर इसे मिला करके काढ़ा भी बना सकते हैं। अगर इस तरह से काली मिर्च, लौंग और सौंठ का पाउडर मिला करके खाया जाए या फिर काढ़ा बना करके पिया जाए तो पसीना लाने का काम करता है और तेज तर्रार पसीना आने की वजह से शरीर का बुखार जो है, टेम्परेचर जो है, कम हो जाता है और आसानी से बुखार उतर जाता है। तो यह सहदेवी के पंचांग के चूर्ण का कमाल है। अगर आप कभी भी किसी के ऊपर देखना चाहते हैं तो इस तरह से प्रयोग करके देख सकते हो, आपको बहुत ज़्यादा पसीना आएगा और आपका बुखार कुछ ही समय में उतर जाएगा। दोस्तों, सहदेवी के अब मैं आप लोग को अगला फायदा बता रहा हूँ। सहदेवी के ये जो तना देख रहे हो, जो हल्का हरा काला कलर का दिखाई देता है, इस तने को आप तोड़ करके, जब कच्चा अवस्था में हो तभी की बात कर रहा हूँ, तोड़ के दो भाग में काट लेना है आपको, 4 अंगुल की बराबर, और दोनों भाग में, और दो भाग काटने के बाद हाथ में या फिर पैर में किसी भी भाग में दर्द हो रहा हो या फिर सूजन हो तो वहाँ पे इसको दो चीरा लगाने के बाद, दो भाग दो टुकड़ों में काटने के बाद पट्टी की तरह रख करके बांध दीजिए धागे से। बांधने के बाद आपको कुछ ही देर के बाद ऐसा एहसास होगा कि आपका दर्द जो है धीरे धीरे शांत होने लगा है, खत्म होने लगा है। जैसे अचानक कभी चोट मोट लगता है या फिर किसी भी कारण की वजह से दर्द होने लगता है किसी अंग में, तो उस अंग में आप इस सहदेवी के तने को, कच्चे तने को काट करके वहाँ पे बांध दीजिए धागे में, तो वह दर्द को खींच लेता है। यह अजमाया हुआ प्रयोग है। दोस्तों, इस सहदेवी के जड़ को माताएँ बहनें को प्रसव के समय जो पीड़ा होती है उस पीड़ा को सामान्य करने के लिए, ज़्यादा तकलीफ ना हो इससे बचने के लिए, इसके जड़ को कमर में भी बांधा जाता है जिससे उनको सुखपूर्वक प्रसव हो जाता है। तो यह भी आजमाया गया प्रयोग है, आप भी इसे करके देख सकते हो। और इस सहदेवी के जड़ को काट करके अगर गले में लटकाया जाए तो गले का जो घेंघा रोग होता है, गले में कोई भी इन्फेक्शन जो होता है वह समाप्त हो जाता है। इसमें इतनी ज़बरदस्त गुण होता है कि इसे सिर्फ गले में लटकाने से घेंघा रोग को ख़त्म कर देता है। दोस्तों, अब मैं आप लोग को इस सहदेवी के पौधे का वह चमत्कारी फायदा आप लोग को बता रहा हूँ जो बिना तंत्र मंत्र के आपको इतना ज़बरदस्त चमत्कार दिखाएगा कि आप खुश हो जाओगे और हमेशा इसको अपने पास ही रखोगे। जिस किसी को भी नींद आता हो, नींद आने की समस्या हो, किसी भी प्रकार की हमेशा दिल में टेंशन रहता हो, किसी भी वजह से अगर उसे नींद ना आता हो रात में, तो आप बिल्कुल इस सहदेवी के पौधे को अपने घर में लगाइए और छोटा गमलों में लगाइए और गमलों में लगा करके उसे अपने पास रखिए या फिर अपने घर में रखिए। अगर नींद आने की समस्या है तो सोते समय अगर हो सके तो गमला सहित अपने सिराने पे इस सहदेवी के पौधे को रखें, आपको बहुत ही ज़बरदस्त फायदा होगा। सोते टाइम अगर रखते हो गमले को तो 10-15 मिनट के अंदर ही आपको यह पौधा का चमत्कार देखने को मिलेगा। तो यह नींद तो अवश्य ही लाएगा, लेकिन उसके साथ साथ आपके मस्तिष्क के जितने भी विकार हैं उनको भी शांत कर देता है और ठीक कर देता है। लगातार आप
इसी प्रयोग को करते रहोगे तो आपके मस्तिष्क की जितने भी खराबियां होती है वह धीरे धीरे दूर होता रहेगा और आप बहुत ही अच्छा फील करते रहोगे। क्योंकि यह आजमाया गया है दोस्तों, अगर आप अपने घर में गमला नहीं लगा सकते, गमले में सहदेवी का पौधा नहीं लगा सकते, तो कोई बात नहीं है। सोते समय अगर आप सहदेवी के जड़ को अपने सिराने पे रख सकते हैं, इससे भी उतना ही फायदा होता है जितना मैं पहले बताया। और इसके जड़ को अपने सिराने पे रखने से किसी भी प्रकार के जो रात में रोने चिल्लाने या फिर बुरे बुरे सपने आते हैं वह भी नहीं आते हैं। तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई तामझाम करने की आवश्यकता नहीं होती है। बस इसके जड़ को अपने सिराने पे रखें या फिर इसके पौधे को अपने पास रखें। तो दोस्तों, इस सहदेवी के पौधे के फायदे मैं आने वाले और वीडियो में बताता रहूंगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और अच्छी औषधि वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। नमस्कार, जय हिंद।